हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट मेमोरी हायरार्की। आज हम मेमोरी हायरार्की के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने मेमोरी स्टोरेज यूनिट के बारे में बताया हुआ है, जिसको वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, या स्टोरेज मेमोरी स्टोरेज आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो कॉम्पिटिशन का एग्जाम हो, चाहे वो रिटन एग्जाम हो BCMCA के लिए। ओके गाइस, तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिएगा। और मैंने रैम और रोम के बारे में भी बताया हुआ है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। तो आप लोग अगर उस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो समझने में आसानी रहेगी आप लोगों को, क्योंकि मैंने यहाँ पे रैम भी लिखा हुआ है और कैशे मेमोरी भी लिखा हुआ है। पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि कैशे मेमोरी SRAM के द्वारा बिल्ड होती है। ठीक है जी, तो हम आज डिस्कस करेंगे मेमोरी हायरार्की के बारे में। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ इनकी टर्म्स के बारे में बताऊंगी, कि पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद आप खुद रिलेट कीजिएगा किसकी टाइम स्पीड ज़्यादा होती है, कि कौन सी मेमोरी एक्सपेंसिव हो सकती है, कौन सी लेस हो सकती है। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक के बारे में, यानी यहाँ पे रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, रैम, USB। आप लोग खुद रिलेट कर पाएंगे जब इसके डेफिनेशन को समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रजिस्टर्स के बारे में। मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, रजिस्टर्स के बारे में भी, कैशे मेमोरी के बारे में भी, और मेमोरी हायरार्की के बारे में भी बहुत बार पूछा गया है BCA MCA एग्ज़ाम में भी, और कंपटीशन एग्ज़ाम रिलेटेड भी। ठीक है, कंपटीशन में किस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ऑप्शंस दिए होंगे और बताया गया पूछा गया होगा कि बताइए कि इसमें से सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कौन होते हैं, या किसकी यूटिलिटी वर्क ज़्यादा होता है। ओके, तो डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले रजिस्टर्स के बारे में। रजिस्टर्स क्या होते हैं, आई होप थोड़ा सा आपको पता होगा कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। रजिस्टर्स हमारी एक तरीके की मेमोरी यूनिट होती है। ठीक है जी, जो डेटा को स्टोर करने के काम में आती है। मैंने अपनी सभी वीडियो में वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को फॉलो किया हुआ है, तो मैं वही आर्किटेक्चर फॉलो करूँगी रजिस्टर्स को समझने के लिए। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है रजिस्टर्स को समझने के लिए। कोई भी हम प्रोसेस अगर डन करते हैं, या कोई भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमें इनपुट आउटपुट मॉड्यूल और मेमोरी मॉड्यूल की ज़रूरत तो होती है। ठीक है जी, और प्रोसेसर की भी ज़रूरत होती है, जिसके कारण हमारा कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो पाता है। तो नाउ हम बात करते हैं रजिस्टर्स की। तो रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स वो होते हैं जो CPU प्रोसेसर के अंदर ही लाया करते हैं। मीन्स यहाँ पे मैंने बहुत सारे रजिस्टर्स लिखे हुए हैं, लाइक AC, एक्यूमुलेटर, PC, प्रोग्राम काउंटर। PC का मतलब यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर से नहीं है, ध्यान रखना, PC का मीन्स यहाँ पर है प्रोग्राम काउंटर से। MAR, MBR, आई होप आप लोगों को पता होगा MAR और MBR के बारे में। MAR मीन्स मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स, एंड MBR मीन्स मेमोरी बफर रजिस्टर, इसको MDR भी बोल देते हैं। ठीक है जी, तो रजिस्टर्स हमारे क्या होते हैं, रजिस्टर्स वो होते हैं जो हमारे CPU प्रोसेसर के अंदर ही होते हैं। और अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ कि रजिस्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो आप लिख सकते हैं AC, PC, MAR, MBR। नाउ अगर हम मैं देखूं कि इनकी ये CPU के बहुत ही नियरेस्ट होते हैं, तो इनकी वर्किंग भी क्या होगी, बहुत ही स्पीडली वर्क कर सकते हैं ये। तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स वो होते हैं जिनकी वर्किंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो CPU के बहुत ही पास होते हैं। ठीक है जी, वही लिखा हुआ है मैंने, ए प्रोसेसर रजिस्टर यानी CPU रजिस्टर इज अ वन ऑफ ए स्मॉल सेट ऑफ डेटा होल्डिंग प्लेस दैट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसर। कंप्यूटर प्रोसेसर के पास जो होते हैं वही हमारे रजिस्टर्स होते हैं, इनकी मेमोरी यूनिट होती है जिनको ये डेटा, जहाँ से ये डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है जी, ए रजिस्टर में होल्ड एन इंस्ट्रक्शन, अ स्टोरेज एड्रेस और एनी काइंड ऑफ डेटा। आई होप इतना आपको पता होगा, ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि क्या होता है कि हमारे जो रजिस्टर्स होते हैं वो क्या होल्ड करके रखते हैं, इंस्ट्रक्शन। आई होप इंस्ट्रक्शन आपको पता होगा। प्रोग्राम क्या होते हैं, हमारे प्रोग्राम होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो हमारे रजिस्टर्स क्या करते हैं, प्रोग्राम को हैंडल करके रखते हैं, और इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रोग्राम का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा जा सकता है कि ए रजिस्टर में होल्ड ए प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन, स्टोरेज एड्रेस और मैनी काइंड ऑफ डेटा। ठीक है जी, ये हो हमारे रजिस्टर्स के बारे में। नाउ मैं अगर बात करूँ कि ये रजिस्टर्स जो होते हैं हमारे AC, PC, MAR, MBR, इनको अगर मैं डिस्कस करूँ, तो सबसे पहले हम AC के बारे में समझते हैं, सबसे पहले MAR के बारे में समझते हैं। ठीक है जी, AC मैंने थर्ड पॉइंट पे लिखा हुआ है। MAR का मीन्स क्या होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसकी फुल फॉर्म याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में फुल फॉर्म ज़रूर पूछ ली जाती है। ठीक है जी,
इट स्टोर एन एड्रेस, जैसे नाम से ही पता चल रहा है तुम्हें कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स का मतलब क्या होगा। ये एक मेमोरी है, इस तरीके की मेमोरी है कि जो स्टोर करके रखती है एड्रेस को। लाइक अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास कोई भी एग्जांपल है, लाइक मुझे दो नंबर्स का सम करना है, तो MAR क्या करेगा, इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को अपने एड्रेस में स्टोर करके रख लेगा, ठीक है। वहीं अगर MBR की बात की जाए, यानी मेमोरी बफर रजिस्टर्स एंड मेमोरी डेटा रजिस्टर्स, तो ये क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है वैल्यू कंटेंट को। मतलब अगर यहाँ पे ऑपरेंड कौन सा यूज़ हो रहा है, हमारा ऑपरेंड यूज़ हो रहा है तो प्लस स्टोर करके रखेगा हमारा MAR, और MBR क्या स्टोर करके रखेगा, हमारे 9 और 10 यानी ऑपरेंड वैल्यू को, ठीक है जी। नाउ AC रजिस्टर, AC रजिस्टर्स क्या होते हैं, एक्यूमुलेटर। आई होप आप लोगों को पता होगा AC का मीन्स क्या होगा, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या करते हैं, इट स्टोर, सॉरी यहाँ पर स्टोर लिखा होगा, इंटरमीडिएट रिजल्ट। मीन्स अगर मैं एक एग्जाम्पल और लूँ, ठीक है जी, तो हमारा एक्यूमुलेटर काम क्या करता है, पहले वो इन दोनों नंबर का सम करेगा बाई हेल्प ALU, ठीक है, और उसके बाद इस नंबर से ऐड करेगा। मीन्स AC हमारा क्या काम करता है, AC हमारा इंटरमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम करता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो प्रोसेसर होता है वो किस पे काम करता है, बाइनरी डिजिट्स के अकॉर्डिंग काम करता है। तो वो 3 नंबर का सम ऐसे तो करेगा नहीं, 9 प्लस 10 प्लस 4, पहले इसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी फॉर्म में, देन ऐड करेगा। तो यहाँ पर AC का मेन काम ये होता है, AC का काम होता है कि इनके इंटरमीडिएट रिजल्ट को अपने पास रखना, ठीक है जी, बाई हेल्प ALU। ALU से क्या करते हैं हम, ALU से हम कोई भी एल्गोरिदम यूज़ करके, मीन्स कोई भी सॉल्यूशन जो अर्थमेटिक प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करते हैं ALU से, ठीक है जी। नाउ प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर मीन्स PC मीन्स प्रोग्राम काउंटर, बेस्ड ऑन +1 होल्ड द इंस्ट्रक्शन वैल्यू एड्रेस। अब इसको हम प्रोग्राम काउंटर को समझते हैं कि क्या होता है PC। आई होप आप लोगों को पता होगा कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम हमारा होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है जी। तो हमारे PC का क्या काम करता है, जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट वाली रन होने वाली होगी उसको होल्ड कर लेगा पहले ही, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन +1 वैल्यू। लाइक अगर मान लीजिए कि इसका एड्रेस 001 है, कुछ भी है, और इसका एड्रेस 0010 कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शन को रन होने से पहले ही इस वाली जो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है उसको स्टोर कर लेगा, यानी बेस्ड ऑन +1, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको रजिस्टर्स के बारे में, PC रजिस्टर्स क्या होते हैं, और भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं अपनी वीडियो बनाऊंगी। तो अभी हमें सिर्फ कितना पता चला, अभी हमें सिर्फ रजिस्टर्स के बारे में पता चला कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स कौन कौन से होते हैं, लाइक AC, MAR, MBR, इनकी वर्किंग प्रोसेस क्या होती है। नाउ बात करते हैं हम कैशे मेमोरी के बारे में। कैशे मेमोरी को हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए आप लोगों को सबको पता है कि हमारा जो CPU प्रोसेसर होता है वो अपनी सारी जो प्रोग्राम होती है वो कहाँ स्टोर करके रखता है, वो हमें स्टोर करके रखता है मेन मेमोरी में, ठीक है जी। अब हमें सिंपल बात ये देखनी होती है कि जो हमारे CPU का वर्किंग प्रोसेस होता है वो सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा होता है, ठीक। मीन्स CPU बहुत ही फास्ट काम कर देता है रेदर देन सेकेंडरी मेमोरी से। तो हमारा जो मेन मेमोरी में जो प्रोग्राम सेव किया हुआ होगा, वहाँ पे प्रोग्राम पे क्या होगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे। तो हमारी कैशे मेमोरी क्या करती है, कैशे मेमोरी पहले ही वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन रन होने वाले होते हैं या जो भी हमारा प्रोग्राम रन होने वाला होता है उसको अपने पास रख लेता है। उससे क्या होगा, CPU को बार बार मेन मेमोरी के पास नहीं जाना पड़ेगा, वो क्या काम करेगा, डायरेक्ट कैश मेमोरी से अपना डेटा उठा के उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है जो भी हमें रन करानी होती है। आई होप इतना समझ में आया होगा कि मीन्स सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि कैश मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी वो मेमोरी होती है जो CPU और मेन मेमोरी के बीच में लाए करती है। क्यों लाए करती है, क्योंकि कैश मेमोरी की वर्किंग स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके पास पहले से ही प्रोग्राम होता है, ठीक है। मीन CPU को बार बार मेन मेमोरी के पास नहीं जाना पड़ेगा किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखी हुई है कैशे मेमोरी की, अगर हम समझें तो कैशे मेमोरी इज एन एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी टाइप दैट एक्ट एज अ बफर बिटवीन द रैम एंड CPU, ठीक है जी। पहली लाइन का मीनिंग आपको समझ में आया कि ये क्या करती है, ये रैम और CPU के बीच में लाई करती है और फास्ट मेमोरी होती है, ठीक।
इट होल्ड फ्रिक्वेंटली रिक्वेस्टेड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. मैंने अभी भी बताया कि क्या होल्ड करके रखता है, ये प्रोग्राम के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, ताकि हमारा प्रोग्राम इमीडिएट रन हो सके. ठीक है जी. इट एक्ट एज अ बफर बिटवीन सीरैम एंड सीपीयू. दोबारा रिपीट हुई है लाइन. ओके. कैशे मेमोरी यूज टू रिड्यूस एवरेज टाइम टू एक्सेस डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी. नाउ इस लाइन का मीन्स क्या है? इस लाइन का मीन्स ये है कि अगर हमारा सीपीयू मेन मेमोरी के पास ना जाके बार बार अगर कैशे मेमोरी से ही अपना सामान उठा लेगा, तो उसका सीपीयू का यूटिलाइजेशन टाइम बढ़ जाएगा. मीन्स उसको ज़्यादा आइडल नहीं रहना पड़ेगा. ठीक है. हमारी मेमोरी के पास टाइम की मीन्स हमारे सीपीयू के पास टाइम की बहुत प्रॉब्लम होती है. वो जल्दी से काम करके बैठ जाता है, तब तक आइडल रहता है. ठीक है. लेकिन कैशे मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्यों आया? कैशे मेमोरी का कॉन्सेप्ट इसलिए आया ताकि कैश हमारा सीपीयू खाली ना बैठे. ठीक है जी. आई होप इतना समझ में आया होगा आपको कैशे मेमोरी के बारे में. नाउ चलते हैं मेमोरी हायरार्की पर. अब बात करते हैं रैम की. रैम को मैंने बताया हुआ है अपनी वीडियो में, पिछली वीडियो में भी, कि रैम क्या होती है. हमारे रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी. और ये कैसी मेमोरी होती है? ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है. इसको नोट कीजिएगा कि वॉलेटाइल मेमोरी है. रैंडमली यूज़ करने वाली मेमोरी को हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी. और वॉलेटाइल का मीन्स क्या होता है? वॉलेटाइल का मीन्स आई होप आप लोगों को पता होगा. जो हमारी रैंडम मीन्स टेम्प्रेरी मेमोरी होती है, वो हमारी होती है वॉलेटाइल मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये भी दो टाइप की होती हैं, एस रैम और डी रैम. एस रैम का मैंने बताया हुआ है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम मीन्स डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. अगर आप लोगों को रैम के बारे में और पढ़ना है, तो पिछली बार की वीडियो मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है कि एस रैम और डी रैम में क्या डिफरेंस है, एस रैम किसकी बेसिक यूनिट्स हैं. ठीक है जी. तो आप लोग उस वीडियो में जाके देख सकते हैं. ठीक. नाउ बात करते हैं यूएसबी और एसएसडी की. यूएसबी हमको पता होगा यूनिवर्सल सीरियल बस, इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि एक फ्लैश मेमोरी होती है. और एसएसडी की फुल फॉर्म क्या होती है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि मैक के अंदर एसएसडी को यूज़ किया जाता है. ठीक है जी. आपको पता होगा कि मैक के अंदर ही हमारे एसएसडी यूज़ होते हैं, फ्लैश मेमोरी जिसको बोलते हैं हम लोग. ठीक है. मैग्नेट डिस्क और हार्ड डिस्क के बारे में मैंने बताया हुआ. हार्ड डिस्क क्या होती है? हमारी हार्ड डिस्क ट्रैक के अकॉर्डिंग काम करती है. इसका एक बेसिक हायरार्की फॉर्म होता है, लाइक बाइट, ब्लॉक, सेक्टर, देन ट्रैक. सबसे पहले बाइट होते हैं, देन ब्लॉक होते हैं हमारी हार्ड डिस्क में, वे सेक्टर्स काम करते हैं, देन ट्रैक होते हैं. ओके जी. ठीक है. और ये मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक ड्राइव क्या है? ये हमारे टेप ड्राइव क्या है आप लगों को पता? इनको हम बोलते हैं टेरिटरी मेमोरी. और नाउ अब हम इसको बात करते हैं कि अगर इनकी स्पीड की बात की जाए या इनकी कॉस्ट की बात की जाए, तो हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं. देखिए, मैंने पूरा पिरामिड सेट किया हुआ है कि अगर हम कॉस्ट की बात करें और स्पीड की बात करें, तो सबसे पहले ये समझिए कि रजिस्टर्स को मैंने क्या बताया. रजिस्टर्स मैंने बताया सीपी प्रोसेसर के सबसे पास जो मेमोरी यूनिट होती है, वो हमारी होती है रजिस्टर. नाउ ये सबसे सीपीयू के पास होती है, तो सबसे इजी बात ये है कि सबसे फास्ट होंगी. ठीक है. फास्ट होंगी यानी इनकी स्पीड ज़्यादा होगी. ठीक है. और इनकी स्पीड ज़्यादा है यानी इनका काम बहुत जल्दी हो रहा है, तो इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, यानी एक्सपेंसिव ज़्यादा होते हैं. नाउ मैंने यहाँ पे ये डिक्रीजिंग फॉर्मेट में लिखे हुए हैं इनकी स्पीड और कॉस्ट को, तो आप समझ सकते हैं कि कैशे मेमोरी की स्पीड कम होती है रजिस्टर से, फिर उसके बाद रैम की मेमोरी कम होती है, स्पीड कम होती है कैशे मेमोरी से. आई होप आप लोगों को पता होगा जो एस रैम होते हैं उनके द्वारा ही कैशे मेमोरी हमारी क्रिएट की जाती है, और डी रैम को ही हम रैंडम एक्सेस मेमोरी ही बोलते हैं. ठीक. और मैंने अभी बताया है मैग्नेट टेप मीन्स जो टेरिटरी मेमोरी होती है उनको बोलते हैं मैग्नेट टेप एंड टेप ड्राइव, जो फिक्स्ड होती हैं हमारे कंप्यूटर प्रोसेसर सिस्टम में. ठीक है जी. आज की वीडियो में केवल इतना ही. आई होप आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा. और आपको एक्सपेंड में समझना है, तो आप अलग अलग वीडियो को देख सकते हैं. लाइक मैंने रजिस्टर्स की अलग वीडियो बनाई हुई है, कैशे मेमोरी की अलग बनाई हुई है, रैम की अलग बनाई हुई है. क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, तो मैंने इसलिए मेन पार्ट लिया, यानी रजिस्टर और कैशे मेमोरी लिया. आप लोग इनको रिलेट करके समझ सकते हैं कि किसकी स्पीड ज़्यादा होती है, इसकी स्पीड क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सीपीयू के बहुत पास होती है. ठीक है जी. आज के वीडियो में केवल इतना ही. आई होप समझ में आया होगा. थैंक यू गाइस. थैंक यू सो मच.